अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ये दो रिश्ते मैंने आज लगाए थे अपने चैनल पे, इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी, लेकिन कुछ दोस्तों ने इतराज़ किया कि ये रिश्ते वो वीडियो सही तरह से नहीं बनी थी और डिटेल की कुछ समझ नहीं आ रही थी, और जल्दी जल्दी में बस वो सारी डिटेल गुजर गई। तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा इसको वीडियो बनाएँ और रिपीट करें, पूरी तफसीलात दें। तो मैंने सोचा कि फिर बजाय इसे कि वन बाई वन तफसीलात दूँ तो मैं यहाँ पर वीडियो नहीं लगा देता हूँ, तो ज़रा तवज्जो कीजिएगा नाज़रीन। ये लड़कियाँ दोनों स्पेन से हैं और एक का नाम लाइबा है। ये आपके सामने लाइबा के रिश्ते की डिटेल है। उम्र इसकी 32 साल है, नाम इसका लाइबा है, तालीम मास्टर है, ज़ात महर है और स्पेन नेशनल एयरबेस में जॉब करती हैं, और 5 फुट 5 इंच इनकी हाइट है। अम्मी अबू 3 बहनें और 1 भाई, ये इनके स्पेन में होते हैं और ये बेवा हैं, बच्चा इनका कोई नहीं है। और रब्ता आपने व्हाट्सएप पे करना है, रब्ते के लिए ये आपके सामने नंबर है 0300881614। तो ये आप देख लें नाज़रीन। दूसरे रिश्ते की डिटेल बताऊँ मैं आपको, ये ना दोनों लड़कियां सहेलियां हैं और एक ये छोटी लड़की है मारिया, इसकी 26 साल उम्र है और ये अपना एक ही जगह पे दोनों जॉब करती हैं। इस वजह से दोनों ने एक ही वक्त में मुझे रिश्ते नोट करवाए, मुझे रब्ता किया। तो नाम इनका मारिया है, उम्र 26 साल है, 5 फुट 3 इंच इनकी हाइट है, तालीम इनकी एम ए इकनॉमिक्स है और ये तलाक याफ्ता हैं, इनका बच्चा कोई नहीं है। अम्मी अबू इनके फौत हो गए हैं, एक बहन है और उसका हस्बैंड है और वो दोनों भी स्पेन में रहते हैं। तो ये पाकिस्तान जेलम से हैं और रबते के लिए यही मेरा नंबर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और इसी तरह इंशाल्लाह मैं हर रिश्ते की डिटेल आपको वाजे कोशिश करता हूँ कि वाजे और एक एक बात आपके सामने खुल के रख दूँ। अब आगे नसीब की बात है, लेकिन मसला ये है कि डिटेल देना, बात सही करना, वो मेरी जो है वो जिम्मेदारी है। तो ठीक है सर, उम्मीद है कि मैं सारी बात क्लियर कर चुका हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगली वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहली बार जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाक अल्लाह।